जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भाई सभी प्यारे विद्यार्थियों का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये क्लास उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए है जिन भाइयों का आर्मी का 15 जनवरी को एग्ज़ाम है। दोस्तों, मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपको हूबहू क्लास से सेम डिट्टो सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, मैं मैथ्स के वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, 30 प्रश्न हम कर चुके हैं, आज हम 31वें प्रश्न से शुरुआत करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो जिन भाइयों ने नहीं देखी है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें से ही सेम सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। 30 सवाल दोस्तों हम कर चुके हैं, आज अपने 31वें क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा सवाल हमने लिया है, आर्मी के एग्जाम का आया हुआ सवाल है। एक टेलीविजन 200 रुपए में खरीदा गया और 350 रुपए में बेचा गया, तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? दोस्तों, एक टेलीविजन है, कहा है कि भाई 200 रुपए में उसको खरीद के और 350 रुपए में बेच दिया गया। मेरे भाई, टेलीविजन का क्रय मूल्य अपने को दिया गया है और टेलीविजन का विक्रय मूल्य अपने को दिया गया है। कहा गया है कि भाई 200 रुपए में टेलीविजन को खरीदा गया और 350 रुपए में टेलीविजन को बेचा गया। दोस्तों, 200 में खरीदना और 350 में बेचना, लाभ हो जाएगा दोस्तों 150 रुपए का। भाई, कोई चीज आपने मेरे भाई 200 रुपए में खरीदी और 350 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो लाभ है वो हो जाएगा 150 रुपए का। दोस्तों, ध्यान रखना है, लाभ निकालिए चाहे हानि निकालिए, परसेंटेज में हमेशा लाभ हानि वस्तु के क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, यानी कि नीचे हमेशा और हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य को लिखना है, विक्रय मूल्य को कभी भी नहीं लिखना है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मेरे भाई 200 है, इंटू कर देंगे 100 से, तो दोस्तों 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, 150 को 2 से कैंसिल करेंगे तो लाभ आ जाएगा मेरे भाई 75% का। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 75% निकाल लिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ नहीं मेरे भाई, सिंपल सी बात है, 200 में खरीदा गया, 350 में बेचा गया, 150 का लाभ हो जाएगा, 200 पर गुणा कर देंगे 100, आंसर आ जाएगा दोस्तों 75%। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल भी एग्जाम का आया हुआ है। दोस्तों, काम समय मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, वहां से ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। लिखा हुआ कि भाई बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। दोस्तों कहता है कि भाई बी की जो काम करने की क्षमता है वो ए की क्षमता से 2 गुनी है। बी की काम करने की क्षमता ए की क्षमता से 2 गुनी है। ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखाई दे, आप चीजों को हमेशा अनुपात में लिखना। दोस्तों, क्षमता का अनुपात हम सबसे पहले लिख लेंगे। कहता कि भाई बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, मतलब दोस्तों बी 2 गुना काम करता है ए का। तो मान लेंगे कि भाई ए की काम करने की क्षमता 1 है, तो दोस्तों बी की काम करने की क्षमता 2 हो जाएगी, मतलब बी की क्षमता ए की क्षमता की 2 गुनी है। दोस्तों कहता कि ए किसी काम को करने में 6 दिन लेता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ए 1 दिन में 1 काम करता है और बी 1 दिन में 2 काम करता है। सवाल में कहा गया है कि बी की जो काम करने की क्षमता है वो ए की क्षमता से 2 गुनी है। मैंने मान लिया भाई बी 1 काम करता है, यानी कि बी 1 दिन में 1 रोटी खाता है, सॉरी ए 1 दिन में 1 रोटी खाता है, तो मेरे भाई बी 1 दिन में 2 रोटी खा लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता उससे डबल है। कहता है कि भाई बी जो है, ए जो है, किसी काम को करने में 6 दिन का समय लेता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि अगर काम करने की क्षमता को समय से गुणा कर दिया जाए, काम करने की क्षमता को समय से गुणा कर दिया जाए, तो हमारे पास कुल काम निकल के आ जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में इसके बगैर सवाल को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ए की जो काम करने की क्षमता है वो 1 है और किसी काम को करने में वो 6 दिन का टाइम लेता है, यानी कि दोस्तों टोटल काम है 6।
मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मान लो एक दिन में एक रोटी खाता है, तो उसने कहा कि वो 6 दिन में सारी रोटी खा लेता है, तो बताओ उसने टोटल कितनी रोटी खानी थी। तो भाई उसने टोटल 6 रोटी खानी थी, यानी कि टोटल काम है 6। कहता भाई दोनों मिलके वो 6 रोटी खाएं तो कितने दिन में खाएंगे। दोस्तों ए बी से 6 काम करवाना है, तो दोस्तों ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 2, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों की क्षमता 3, 3 का भाग लगा देंगे तो मेरे भाई दोनों मिलके उस काम को 2 दिन में पूरा कर देंगे, यानी कि मेरे भाई इस सवाल का जो उत्तर है वो आ जाएगा 2। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बी की क्षमता ए की 2 गुना है, मैंने मान ली ए की क्षमता 1 है, बी की 2 गुना है, 2 हो जाएगी। एक दिन में 1 काम करता है, ये इसका 6 गुना ज्यादा करेगा, टोटल काम 6 हो जाएगा। मेरे भाई 6 में दोनों की क्षमता का भाग लगा देंगे, 6/3 उत्तर 2 आ जाएगा। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 40 संतरों का विक्रय मूल्य 30 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ये भी काम का सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। देखो ऐसे सवाल में दोस्तों कुछ नहीं करना, यहां पे लिखे हुए मूल्य को देखना होता है। यहां पे जो मूल्य लिखा हुआ होता है इसके साथ में जो ये संख्या होती है वो इसी की होती है, याद रखिएगा। वस्तु का नाम चाहे कुछ भी लिखे, आपको कुछ नहीं करना, यहां लिखे हुए मूल्य को देखना है और इसके साथ में जो संख्या लिखी हुई है उसको देखना है। दोस्तों यहां लिखा हुआ है विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ में दोस्तों लिखा हुआ है 30, तो दोस्तों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है इसका मतलब 30 है। 30 संतरों का विक्रय मूल्य है, तो दोस्तों 30 अगर विक्रय मूल्य है तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा 40। दोस्तों जो यहां पे मूल्य होता है उसके साथ में जो संख्या होती है वो उसी की होती है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 30 हो जाएगा तो क्रय मूल्य 40 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि भी उसने 40 रुपए में संतरे खरीदे और 30 रुपए में संतरे बेच दिए, तो 40 में अगर मान लो संतरे खरीदे हैं, 30 में संतरे बेचे हैं, तो बताइए लाभ होगा कि हानि। आप बोलेंगे सर 10 की हानि हो जाएगी, लाभ हानि हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पे निकलेगी, क्रय मूल्य 40 है, इनटू 100 कर देंगे दोस्तों 0 कट जाएंगी, 4 से 100 को काटेंगे 25% की हानि, यानी कि इस सवाल का दोस्तों ए ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। दोस्तों एग्जाम में यह सवाल आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि भी इनमें क्रय मूल्य कौन सा है, विक्रय मूल्य कौन सा है। आपको कुछ नहीं करना, यहां पे जो मूल्य है वो इसी का है। अब की बार यहां विक्रय मूल्य था तो ये विक्रय मूल्य 30 बन गया, क्रय मूल्य 40 है। 40 की चीज 30 में बेच दी, 10 की आनी, नीचे क्रय मूल्य गुणा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई 25%। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहा करो मेरे भाई। यार दोस्त जो भी आपके तैयारी करते हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि ये वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि 15 जनवरी को आपको सेम सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखो ये दोस्तों रुपए सिक्के वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में 2-3 बार आ चुका है। एकदम से जब आपके सामने ये सवाल आता है तो आप इसको छोड़ के आना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों एक सवाल की वैल्यू 2.5 नंबर के बराबर है और आप सोच सकते हैं कि 2.5 नंबर में कितने बच्चे आपसे पीछे चले जाएंगे। तो हर एक सवाल को इंपॉर्टेंट समझ के ध्यान से समझना है, क्योंकि हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने प्रश्न में कहा गया है कि भाई सिक्के हैं 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के। अब कहता है दोस्तों उनकी संख्याओं का जो अनुपात है, संख्याओं का जो अनुपात है वो अपने को दिया गया है, वो मेरे को भाई दिया गया है 5:6:8। संख्याओं का अनुपात है 5:6:8। कहता कि कुल राशि अगर 240 रुपए की है तो बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपसे यही पूछेगा, बैग में आपको रुपए दे देगा और सिक्कों की संख्या पूछ लेगा। दोस्तों ये बिल्कुल आसान सवाल होता है, सुनिएगा मेरी बात को। आपके पास मान लो कि रुपए है कुछ, मैं कहता हूं कि आपकी जेब में 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो बताइए कितने रुपए हैं। अरे सोचिए, आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो आपकी जेब में कितने रुपए हैं। आप बोलेंगे सर 25 रुपए हैं। आप फिर सोचिए, आपके पास 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं। आप बोलेंगे सर 2 रुपए हैं। आपके पास 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, कितने रुपए हैं। आप बोलेंगे सर 10 रुपए हैं।
मैं कहता दोस्तों आपके पास 50-50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हैं? आप बोलेंगे सर 4 रुपए हैं। दोस्तों ये जो बात अभी मैंने बुलवाई है इसी बात को यहां पे अप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बैग में जब भी आपको रुपए दे रखे हो इस वैल्यू को आपने रुपए में ही बदलना है और कुछ नहीं करना। अब ध्यान से सुनिए भाई, हम ये मान लेंगे कि भाई बैग में एक एक रुपए के 5 सिक्के हैं। दोस्तों अगर बैग में एक एक रुपए के 5 सिक्के होंगे तो टोटल रुपए बताइए कितने होंगे? आप बोलेंगे सर अगर एक एक रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 5 रुपए ही होंगे। आप ये बताइए 50-50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे? आप बोलेंगे सर 3 रुपए होंगे। आप देखिए 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? तो दोस्तों 25 पैसे के 8 सिक्के होने पे टोटल रुपए बनेंगे 2। तो दोस्तों 5 रुपए यहां से आए, 3 रुपए यहां से आए, 2 रुपए यहां से आए। मेरे हिसाब से बैग में टोटल 10 रुपए होने चाहिए। लेकिन भाई साहब प्रश्न कहता है कि बैग में टोटल रुपए हैं 240। तो दोस्तों जो अपने रुपए आए हैं उनको प्रश्न में दी गई वैल्यू के बराबर लिखिए और 1:1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 10 का भाग लगा देंगे 240 में, 1:1 की वैल्यू आएगी 24। दोस्तों अगर 1 रुपए के सिक्के पूछे तो यहां गुणा करो, 50 के पूछे तो यहां गुणा करो, उसने 25 पैसे के पूछे हैं तो यहां गुणा कर देंगे। दोस्तों 24 की 8 में गुणा करेंगे तो 24 × 8 होता है 192, यानी कि थैले में 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो दोस्तों 192 है, 192 है। दोस्तों 192 टोटल सिक्के हैं 25 पैसे के बैग में। फिर सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में आता है, अब की बार भी आने की संभावना है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 है। कहता कि भाई बैग में टोटल रुपए हैं 240। तो दोस्तों अगर बैग में रुपए दे रखे हो ना तो भाई आप जो भी वैल्यू आपको देगा दोस्त उसको आपने रुपए में ही बदलना है। अब आप सोचेंगे सर रुपए में कैसे बदलें? अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो रुपए में ही बदलना सिखाया था। 1 रुपए के अगर 5 सिक्के होंगे तो दोस्त 5 रुपए होंगे, 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो दोस्त 3 रुपए होंगे, 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो दोस्त 2 रुपए होंगे। हमारे हिसाब से थैले में रुपए बढ़ेंगे 10, लेकिन है 240। 240 में 10 का भाग कर देंगे, 1:1 की वैल्यू 24 आएगी, 24 से दोस्तों यहां गुणा कर देंगे क्योंकि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, 24 × 8 उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 192। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल अब आपसे हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके पास आ चुका है। मोहन अपनी आय का 40% तो राम को दे देता है, शेष का 60% मनोज को दे देता है, तब उसके पास 1584 रुपए बचते हैं, तो बताइए मोहन की आय कितनी है? सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। देखो जब भी किसी प्रश्न में आपसे पहले का रिजल्ट पूछ लिया जाए तो आपने एक छोटा सा काम करना है कि जो बाद का रिजल्ट आपको प्रश्न में देगा उसको उठा के लिखना है, उसके बाद दोस्तों गुणा करना है 100 से, वृद्धि होगी तो 100 में नीचे जोड़ के लिखना है, कमी होगी तो 100 से घटा के लिखना है। दोस्तों वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ के लिखना है, कमी होगी तो 100 से घटा के लिखना है, 2, 3, 4 जितनी बार भी ये दे उतनी बार लिखते हुए चलना है। मतलब वृद्धि होगी तो 100 में नीचे जोड़ो, कमी होगी तो 100 से घटाओ। मोहन ने अपनी आय का 40% राम को दे दिया, 70% मनोज को दे दिया, बाद में उसके पास 1584 बचे, कहता है मोहन की आय कितनी है। मान लो कि दोस्त मैं हूं मोहन, आप हो राम और आपका दोस्त है मनोज। दोस्तों मैंने 40% उसको दे दिया, बचा उसका 70% दे दिया, बाद में मेरे पास 1584 बचे, कहता कि बताओ पहले कितने थे। तो पहले का रिजल्ट निकालने के लिए ये काम करना है, बाद में बताइए कितने रुपए बचे हैं। आप बोलेंगे सर बाद में जो आपके पास बचे हैं वो 1584 हैं। तो दोस्तों 40% अगर मैं राम को दे दूंगा तो कमी आएगी, कमी के लिए कम कर देंगे, 100 में से 40 कम कर देंगे भाई 60, फिर दोस्तों गुणा कर देंगे 100 से, 70% मनोज को दे देंगे तो 70% की फिर कमी आएगी, बच जाएगा 30,
दोस्तों सोल्व करेंगे अपने पास उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। दो जीरो से दो जीरो को काट देंगे, छह से काटेंगे, छह दुनी बारह, छह गुना छह छत्तीस, छह चौक चौबीस। दोस्तों तीन से काटेंगे, तीन गुना आठ चौबीस और तीन गुना आठ चौबीस, अठासी की और सौ की गुना कर देंगे तो भाई पता चलेगा मोहन की जो इनकम थी वो 8800 रुपए की थी। दोस्तों फालतू चक्रों में नहीं पढ़ना है, ऐसे बहुत से सवाल प्रश्न बनेंगे, एक तरीका बता दिया है, ये बार बार अप्लाई होता रहेगा। जब भी कभी पहले का रिजल्ट निकालना हो, बाद की जो वैल्यू है वो लिखिए, कमी है तो घटाइए, वृद्धि है तो जोड़िए, ये काम करते चलिए, आपके उत्तर आसानी से आ जाएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों लिखा हुआ है आठ आदमी या बारह लड़के, दोस्तों आठ आदमी या बारह लड़के एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 20 आदमी छह लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों गौर से देख लीजिए इन सवालों को, ये सवाल डिट्टो आपको पेपर में दिखाई देंगे। दोस्तों ये वो सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप कहीं से भी पढ़ते हो, आपने कहीं पे भी तैयारी की हो, दोस्तों ये सवालों ने आपको जरूर परेशान किया होगा। आज दोस्तों ये बेस्ट तरीके से मैं हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपके बीच में बताता रहूंगा, ध्यान से सुनिए। दोस्तों जब भी आपको ऐसा सवाल दिखेगा तो आपने कुछ नहीं करना, दिनों की संख्या को ऊपर लिख देना है। दोस्तों बाद के जो आदमी होते हैं उनको हम पहले वाले आदमियों से डिवाइड कर देते हैं, बाद की जो महिला होती हैं पहले वाली महिलाओं से डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों बाद के जो लड़के होते हैं उनको पहले वाले लड़कों से डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों ये M1 W1 देख के डरना नहीं है, M2 का मतलब है बाद में जो आदमी हो, जैसे 20 आदमी बाद में है, 8 पहले हैं, बाद के लड़के हैं 6, पहले थे 12। बस दोस्तों ये चीज है और कुछ नहीं। देखिए इस सवाल को हम कैसे आसान बनाएंगे, दिनों की संख्या मेरे को प्रश्न में 18 दे रखी है, मैंने लिख दी। M2 का मतलब है बाद के आदमी, जो कि मेरे पास 20 है। दोस्तों पहले के आदमी मेरे पास 8 है, मैंने लिख दिया। प्लस दोस्तों बाद के लड़के मेरे पास 6 हैं, ये बैठे भाई 6 लड़के, पहले के लड़के दोस्तों ये 12 हैं। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, अब ऊपर वाले की वैल्यू को तो एक बार 18 को छोड़ दीजिए, केवल इतनी सी बात को सोल्व कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों काट के तुम इसको छोटा भी कर सकते हो, जैसे 6 से काट दें 6 दुनी 12, दोस्तों 4 से काट दें 4 पंजे 20 और दोस्तों 4 दुनी 8। अब देखो नीचे जब संख्या सेम होती है तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये 5 है ये 1 है, तो दोस्तों ये 6 बटा में 2 आ जाएगा, 6 बटा में 2 यानी कि ये 3 बन जाएगा। दोस्तों इतनी वैल्यू को हमने सोल्व करके 3 बना दिया, ऊपर 18 है, 18 में 3 का भाग कर देंगे, यानी कि इस सवाल का उत्तर हमारे पास 6 निकल के आ जाएगा। दोस्तों 6 ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा, ये जानबूझ के ऐसे सवाल लिया गया है कि कभी दोस्तों आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोस्तों कभी आपको आपने जो आंसर निकाल लिया वो ऑप्शन में मिला ही नहीं, तो दोस्तों उसके जो सबसे नजदीक संख्या है वो उसका उत्तर मानी जाएगी, यानी कि इसका उत्तर ए मान लिया जाएगा, 6 से 1/3। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। दोस्तों एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश मीडियम से चाहे भले ही ना पढ़े हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन बनता है वो सही माना जाता है। इंग्लिश में अगर टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो दोस्तों वो गलत होने के बाद भी इंग्लिश वाली को प्राथमिकता दी जाती है, तो आप दोनों लैंग्वेज के सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। आपको कभी हिंदी में बार बार टाइम खराब करेंगे, आपको वो चीज आएगी, एक बार उसकी नजर इंग्लिश वाले पे देख लेना, कई बार टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण आप एक ही प्रश्न पे 5 मिनट खराब कर देते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इन बातों का। तो इस सवाल का उत्तर आया तो 6 है, लेकिन इसके नजदीक 6 से 1/3 है, तो हम 6 से 1/3 उत्तर बोल देंगे। चलिए भाई अगला सवाल है दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है। देखो छोटी सी बात है दोस्तों, ये छोटे छोटे सवाल जो पेपर में आए हुए हैं यही मैंने आपके सामने लिए हैं। दोस्तों 46 तो क्रय मूल्य है, खरीदी है, 15 के लाभ पर बेचेगा। जब भी दोस्तों विक्रय मूल्य निकालना हो, जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो लिखिएगा, जितने का लाभ है 100 में जोड़ना है और मेरे भाई बटे करना है 100 से। दो जीरो कट जाएंगी दोस्तों, 115 की और 46 की हम गुणा कर देंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम इन दोनों की गुणा करें, 6 गुना 5 30, 6 गुना 1 6 और 3 9,
भाई छह एकम छह। दोस्तों चार की गुणा करें तो 15 × 4 = 60 और 4 × 4 = 4। दोस्तों 0, 9, 2, 5 5290 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सवालों का ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि ये छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में अपने ऊपर प्रेशर होता है तब हम इनमें भी गलतियां कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान से करके जाइएगा तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर जरूर करते रहना है मेरे भाई। देखो 35 डिग्री का संपूरक कोण पूछा है। दोस्तों कोण से एक सवाल बार बार पेपर में आता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, व्यर्थ कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण। दोस्तों इसके ऊपर मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाली है कोण से रिलेटेड। अगर आपको इनको पहचानने में परेशानी होती है तो आप वो 10 मिनट की वीडियो है एक बार जरूर देखना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए दोस्तों 35 डिग्री का संपूरक कोण, दोस्तों संपूरक कोण का मतलब होता है मेरे भाई जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री का हो। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो दोस्तों इसको हम संपूरक कोण कहते हैं। दोस्तों यहां पे अपने पास एक कोण 35 डिग्री का है तो हमने 180 में से 35 डिग्री को माइनस कर देना है, जो बचेगा वो अपने पास उत्तर आ जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर आ जाएगा दोस्तों 145 डिग्री। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपने पूरक कोण पढ़ा है और संपूरक पढ़ा है, दोनों ही है, लेकिन 35 को देख के आपके माइंड में 180 नहीं आएगा, 90 आएगा। अब देखो 90 के लिए भी ऑप्शन सेट करके रखा है 55, वो गलती नहीं करनी है आपने। दोस्तों दूसरी चीज घटाते समय ध्यान रखना है, अब जल्दबाजी में आप 55 कर देते तो 55 भी ऑप्शन में है, तो एक एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे और गलत कर दिया तो 2.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 0.50 की नेगेटिव है तो दोस्तों वो आपके लिए भारी पड़ जाएगी, आप कई बच्चों से पीछे चले जाएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए भाई ये दोस्तों छोटा सा सवाल है, देखिए कहता है भाई 449 का 70% बताइए। भाई 449 का 70% निकालेंगे, 70 से गुणा करके बटे 100 कर देंगे, भाई जीरो कट जाएंगी, 7 की 9 में गुणा करेंगे दोस्तों 63, 7 × 6 = 28 और 6 = 34, 7 × 4 = 28 और 3 = 31, नीचे 10 है, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 314.3 जिस ऑप्शन में मिलेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। पिछली क्लासों में भी मैंने ये बात अच्छे से बताई है कि भाई जब भी हम किसी संख्या का कुछ परसेंट निकालेंगे, जितने परसेंट निकालना है वो संख्या गुणा करके दोस्तों बटा में लिख देंगे 100। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का दोस्तों मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। दो संख्याओं का HCF देगा, LCM देगा, एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछ लेगा। ध्यान से करके आइएगा दोस्तों, ऐसा सवाल HCF LCM से पक्का आने के चांस है, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याओं का LCM 1134 है, दो संख्याओं का LCM 1134 है। दोस्तों देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि भाई HCF और LCM के गुणनफल में, दोस्तों HCF और LCM के गुणनफल में एक संख्या का अगर हम भाग कर देंगे तो अपने पास दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। दोस्तों HCF और LCM के गुणनफल को एक संख्या से भाग करते हैं तो दूसरी संख्या निकल के आ जाती है। कहता भाई दो संख्याओं का HCF तो 18 है और दोस्तों LCM 1134 है, तो एक संख्या 162 है, भाग लगा देंगे दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। दोस्तों अगर मैं इसको 9 से काट दूं, 9 × 9 = 9, 7 बचेगा, 9 × 8 = 72, 9 से इसको काट दूं दोस्तों 9 × 9 = 9, 2 बच जाएगा, 9 × 2 = 18 और 9 × 6 = 54, ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 126 ढूंढ लीजिए दोस्तों, जो ऑप्शन में है वही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं का HCF देगा, LCM देगा, एक संख्या देके दूसरी पूछ लेगा, हो सकता है दोस्तों 15 जनवरी को यही पेपर में मिल जाए 126, उत्तर भी याद रख लेना। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये दोस्तों ये फिर से एक और इंपोर्टेंट सवाल मेरे भाई, आपके लिए छांट छांट के सवाल लेके आया हूं मैं दोस्तों, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सवालों की झड़ी लगा रखी है। ये सवाल पेपर में जो के तो आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा उस चीज को। आप लिखा हुआ कि भाई किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी कितनी होगी।
दोस्तों देखो, ऐसा सवाल जब भी दिखे आपने कुछ नहीं करना, वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ के लिखना है, 10 की वृद्धि है तो 100 प्लस 110, 10 110, कमी है तो 100 से घटा के लिखना है, 10 की कमी है तो दोस्तों 90, और मेरे भाई बटे में लिख देना है 100, दोस्तों 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 11 गुना 2 99 आ जाएगा। दोस्तों ये वैल्यू अगर 100 से कम आई तो देखिए 100 से कितनी कम आई, अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा आई तो देखिए 100 से कितनी ज्यादा आई। दोस्तों वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देना, कमी हो घटा देना, बटे 100 कर देना, जो रिजल्ट निकलेगा अपने पास उत्तर आ जाएगा। दोस्तों 1% की कमी हमारे पास इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हो भाई किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। दोस्तों ये सारे वो सवाल हैं जो पेपर में आए हुए हैं, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा। 40% की वैल्यू मेरे भाई 20 बताई गई है, 40% दोस्तों 20 है, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 40 का भाग कर देंगे, अपने को चाहिए मेरे भाई 25% की वैल्यू, जितने परसेंट निकालना हो दोस्तों उससे गुणा कर देते हैं, 20 दूनी 40, 25 बटे 2 का भाग करेंगे, 12.5 जिस ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों छोटे छोटे सवाल हैं, 40% की वैल्यू 20 दे रखी है तो 40% बराबर 20, 1% बराबर बटा 40, 25 की वैल्यू 12.5 आंसर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखो अगला एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपके बीच में है दोस्तों। दो नल एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, दोनों मिलके कितने समय में भर देंगे। दोस्तों ये काम समय से संबंधित सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो एक नल भरता है टंकी को 20 मिनट में, दूसरा भरता है 30 मिनट में। दोस्तों एलसीएम लेंगे 60, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में। दोस्तों कुछ नहीं करना, जो एलसीएम लिया है उसमें दोनों को जोड़ के भाग लगा दीजिए, दोनों मिलके दोस्तों 12 मिनट में भर देंगे, जिस ऑप्शन में 12 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को भी आप ध्यान रखिएगा, ये नल टंकी देख के डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, टाइम एंड वर्क वाला, काम और समय वाला। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों ये घनमूल पूछा है। दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो डाल रखी है घनमूल की अपने यूट्यूब चैनल पे, एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो जिंदगी भर आपको घनमूल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने इसी चैनल पे है डागर कॉन्सेप्ट पे, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों लिखा हुआ भाई इसका घनमूल निकालना है। दोस्तों घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले इकाई अंक को देखते हैं, 4 के लिए 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 अंकों को काटते हैं, उसके बाद जो संख्या बच जाती है उसको देखते हैं किस किस के घन के बीच आएगी, तो दोस्तों 157 आएगा 5 और 6 के घन के बीच में। तो दोस्तों 5 हमेशा छोटे नंबर को लिखते हैं, तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर दोस्तों 54 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन आ जाएगा। अब ये कैसे कर दिया आपको एकदम समझ नहीं आएगा, जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो समझ चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है अपने चैनल पे घनमूल की वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आने की संभावना है। चलिए भाई देखिए दोस्तों किसी गांव की जनसंख्या 17,576 है, प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों इसका आंसर भी आपने याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको तरीका भी बता देता हूं, लेकिन दोस्तों इसका उत्तर भी याद करके जाना, क्योंकि सेम सवाल कम से कम 10 बार पेपर में आ चुका है। आप एक बार खुद से इसको करके देखिए, इसकी कैलकुलेशन करने में ही रह जाएंगे। एक बार खुद से वीडियो को स्टॉप करिए और करके देखिए, और फिर देखिए कि आपका उत्तर कितनी देर में निकलता है। मैं भी इसको बताने वाला हूं, लेकिन दोस्तों एक बार खुद का दिमाग लगाइए आप और मेरे को बताइए कि इसको कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। दोस्तों जो सवाल आपको बेसिक से आता है, लेकिन अगर वो सवाल इंपॉर्टेंट है तो उसका उत्तर याद करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोस्तों यही सवाल आपको एग्जाम में 2 से 2.5 मिनट बचा के देगा, चाहे बेसिक आपको चीजें आती हो। चलिए एक बार मैं बता देता हूं, बाकी दोस्तों इसका उत्तर 15,625 है, यह उत्तर याद रखना इसका। देखो ये कैसे है ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि भाई पहले की जनसंख्या पूछी है, तो दोस्तों पहले का रिजल्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो बाद की वैल्यू अपने को दे रखी है 17,576 गुणा करना है दोस्तों 100 से, वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखना है। मेरे भाई 3 वर्ष पहले की पूछी है तो
तो हम तीन बार जोड़ के लिख देंगे इसमें। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में ये बात आपको मैंने समझाई थी, वृद्धि होगी तो नीचे जोड़ देंगे, कमी होगी घटा देंगे। तीन बार जोड़ दिया क्योंकि दोस्तों तीन साल पहले की जनसंख्या पूछी है। चार से काट दे 25, चार से काट दे 26, चार से काट दे 25, चार से काट दे 26, चार से काट दे 25, चार से काट दे 26, 26 गुना 26 गुना 26, 26 का क्यूब होता है दोस्तों 17,576, 25 गुना 25 गुना 25 का क्यूब होता है 15,625, उत्तर आ जाएगा दोस्तों 15,625। मैंने आसानी से काट दिया क्योंकि मेरे को पता है 25 और 26 के क्यूब क्या होते हैं। आपको याद नहीं होगा तो दोस्तों पसीने आ जाएंगे सोल्व करने में इसको। आप आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसे सवाल आपको परेशान कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 15,625। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हो भाई 150 रुपए 6% की दर से एक वर्ष का मिश्र धन। दोस्तों मिश्र धन पूछ रखा है तो मिश्र धन होता है मेरे भाई मूल धन प्लस ब्याज। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे, मूल धन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से। दोस्तों मूल धन है 150, दर है 6, एक साल का पूछा है, 50 से 3 बार 50 से 2 बार 2 से 3 बार। दोस्तों ब्याज आ जाएगा 9, 150 प्लस 9 मिश्र धन आ जाएगा दोस्तों 159। दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 159। बिल्कुल आसान था दोस्तों। चलिए आप फटाफट बताइए इस सवाल का उत्तर क्या है। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए दोस्तों फटाफट। दोस्तों ये औसत वाले विषम का, सम का, प्राकृत का भी ध्यान से करके जाना, ऐसा सवाल भी पूछ लेता है। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत हमने बताना है। चलिए जल्दी से बोलिए दोस्तों उत्तर क्या है। देखिएगा जल्दबाजी के चक्कर में आधे से ज्यादा बच्चे देखने वाले इसको गलत करे हुए मिलेंगे, सही करे हुए नहीं मिलेंगे। दोस्तों देखो जब भी हम सम संख्याओं के औसत की बात करते हैं तो सम संख्याओं का औसत निकालते हैं, जितनी संख्या दे रखी हो एक जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 50 तक की संख्या है, एक जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 51। निकाल दिया आपने 51, दोस्तों ये गलत है। जो मेरे भाई आपने 51 निकाल दिया वो ठीक नहीं है, गलत है। सम संख्याओं का औसत एक जोड़ने पे आता है, लेकिन दोस्तों ये देखिए 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत पूछा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ……50। तो अब आप ये सोचिए कि मेरे भाई ये 1 से 50 तक की जो संख्या है क्या ये सारी की सारी सम संख्या है? तो आप पाएंगे कि सारी सम संख्या नहीं है, इनमें सम तो 25 ही है। तो दोस्तों 25 में एक जुड़ेगा तो इस सवाल का जो उत्तर है वो आ जाएगा मेरे भाई 26। इस सवाल का राइट आंसर आएगा 26 ना कि 51। ध्यान रखिएगा दोस्तों ढाई नंबर एक सवाल की वैल्यू है, याद रखना दोस्तों। चलिए वर्गमूल के सवाल में बार बार ले रहा हूं, ऐसे सवाल दोस्तों पेपर में देखने को पक्का मिलेंगे। देखिए मैंने कल भी बताया था पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए दशमलव अंक हमेशा हम आधे कर देते हैं। दोस्तों एक का वर्गमूल निकालेंगे, एक दो के बाद पॉइंट है, एक के बाद लगा देंगे। दोस्तों 9 का वर्गमूल 3, 2 के बाद पॉइंट है, एक के बाद लगा देंगे। दोस्तों 3 गुणा 1 3, पॉइंट वाली संख्याओं की गुणा करते समय दशमलव अंक जुड़ जाएंगे, एक के बाद यहां, एक के बाद यहां, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.03 यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। जिन भाइयों ने और कुछ निकाल दिया गलत है, डी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर है दोस्तों सी आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए कहता है भाई 30%, 20%, 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। दोस्तों जब भी आपने 2/1 निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, x + y - x (y/100। x से मतलब होता है पहला बट्टा, y से मतलब होता है दूसरा बट्टा। आप सोचेंगे सर ये तो 2 के बराबर है, तो दोस्तों 3 का पूछा है मुझे भी पता है, लेकिन पहले हम 2 के बराबर 1 निकालेंगे, फिर जो आएगा उससे तीसरे को निकालेंगे। दोस्तों 30 + 20 - 30 × 20/100 कर देंगे, अपने पास पहला डिस्काउंट आएगा 30 + 20 = 50 - 6, तो दोस्तों ये आएगा 44%। अब 2 का काम हो चुका है, इसको तीसरे के साथ निकालेंगे तो दोस्तों 44 + 10 - 44 × 10/100 कर देंगे तो दोस्तों 44 और 10 ये 54 हो जाएगा, माइनस कर देंगे जीरो कट जाएगी 4.4, तो दोस्तों 54 में से 4 घटाएंगे 50.4 घटाएंगे 49.6 ढूंढ लो
जहां पे लिखा हुआ है वही आंसर है, डी ऑप्शन में है 49.6। दोस्तों दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट निकालने का ये तरीका होता है, तीन आ जाए तो पहले दो के बराबर एक निकालिए, फिर उसी को तीसरे के साथ निकालिए, आसानी से उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये दोस्तों क्यूब रूट पूछा है, देखो ध्यान से सुनना है ना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये घनमूल का सवाल है। दोस्तों सबसे पहले तो जिस संख्या का घनमूल पूछा गया है उसका आप घनमूल लिख दीजिए भाई। 512 का घनमूल होता है दोस्तों 8, हम यहां पे लिख देंगे 8। अब दोस्तों बात आएगी कि भाई पॉइंट हमने कहां लगाना है, पॉइंट की बात करनी है दोस्तों, पॉइंट हमने कहां लगाना है ये हमने सोचना है। दोस्तों देखो 10 घनमूल वाली संख्याओं का पॉइंट कैसे काउंट करना है, सुनो दशमलव काउंट करिए सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में दोस्तों यहां लिखी संख्या का भाग लगा दीजिए और भागफल को देखिए। 6 में जब आप 3 का भाग लगाओगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब पॉइंट 2 के बाद लगेगा। तो दोस्तों एक अंक तो ये है ही, दूसरा अंक अपने पास से लगा देंगे और अब पॉइंट लगा देंगे तो दोस्तों 0.08 यानी कि जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, यानी कि दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा भाई डी ऑप्शन। या फिर दोस्तों डायरेक्ट याद रख लेना, 3 के बाद पॉइंट हो तो घनमूल में 1 के बाद, 6 के बाद हो तो 2 के बाद, 9 के बाद हो तो 3 के बाद, ये बात डायरेक्ट रट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन हम पर पूरे कर चुके हैं, आपके लिए वीडियो रुकेंगी नहीं, कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी, आप डेली देखते रहिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए भाई। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, और कोई किसी चीज की कमी हो तो दोस्तों आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। आपको ये जो नंबर दिया गया है दोस्तों आप इस पे मैसेज कर सकते हैं 999-2009-108, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके कोई बात शेयर करनी है, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर भाई मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।